नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे बनाए हुए वीडियोस आपके काम आ रहे होंगे, आपकी परीक्षा की तैयारी में आपके लिए सही साबित हो रहे होंगे, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे। तो वाक्य विचार जो हमारा व्याकरण है, व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वाक्य, उस वाक्य विचार की दूसरी कड़ी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इससे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ चुके हैं। बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना भूल गई थी, वो बात देखिए क्या थी। वो बात हमने वर्ण विचार वाले जो टॉपिक पढ़ा था, हमने उसमें हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। क्या कहा, वर्ण। अगर प्रश्न आए कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो उसका उत्तर क्या होगा, शब्द। क्या होगा, शब्द। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की, क्या पूछा जाए कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई अर्थ के आधार पर भी या वैसे भी, तो क्या होगी हमारी, वाक्य। क्या होगी, वाक्य होगी। क्यों होगी वाक्य, क्योंकि हमारे वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, वर्ण अर्थहीन होते हैं, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। अगर प्रश्न आए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो शब्द। सार्थक क्यों बोला, क्योंकि शब्दों का जो अर्थ होता है, वर्णों के समूह जब मिलते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं, और वो जो शब्द है वो सार्थक होते हैं, कोई ना कोई अर्थ देने वाला होता है। फिर भाषा की सबसे बड़ी इकाई किसे माना जाता है, वाक्य को कहा जाता है। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम शब्द हो गया, और शब्दों का व्यवस्थित क्रम क्या हुआ, हमारा वाक्य हो गया। ठीक है, अब वाक्य जो है, वाक्य भावपूर्ण इकाई होती है, अर्थात शब्दों के माध्यम से आप अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते, उन शब्दों को जब आप पिरोते हैं, शब्दों को मिलाकर के जब आप एक समूह का निर्माण करते हैं, व्यवस्थित क्रम में आप अगर उनको जमाते हैं, तो क्या मिलता है, हमें वाक्य मिलता है, और वाक्य से हम हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने कहा खाना, तो खाना केवल शब्द है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा खाना खाया, तो खाना खाया व्यवस्थित क्रम हो गया, खाया खाना बोलूं मैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्रम व्यवस्थित नहीं है। तो मैंने क्या कहा, खाना खाया, तो खाना को, खाने को, खाने की जो क्रिया हो रही है, खाना खाया जा रहा है, तो ये व्यवस्थित क्रम में हो गया, पहले कर्म आया फिर क्रिया आ गई। ठीक है, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो राम क्या हो गया, कर्ता, राम ने खाना क्या हो गया, कर्म, और क्रिया क्या हो गई, खाया। ठीक है, तो इस प्रकार जब हमने शब्दों को क्रम में जमाया तो वो क्या हो गया, हमारा वाक्य हो गया। तो जब व्यवस्थित क्रम में भावों की अभिव्यक्ति होती है शब्दों के माध्यम से, वो क्या कहलाता है, हमारा वाक्य कहलाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद पढ़ चुके हैं, जो कितने प्रकार के थे, हमारे 8 प्रकार के। कौन कौन से थे बताएंगे, वो 8 प्रकार थे हमारा। सबसे पहले तो कौन सा था हमारा, विधानवाचक वाक्य, ठीक है, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य, ठीक है, और क्या था, संदेहवाचक वाक्य था हमारा, इच्छावाचक वाक्य था, आज्ञावाचक वाक्य था। ठीक है, तो अब वो तो किस आधार पर थे, अर्थ के आधार पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना यानी बनावट के आधार पर। ठीक है, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं।
बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इसे मिश्रित भी कहा जाता है, इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है, इसे साधारण और ये मिश्रित। क्या हो गया? मिश्रित वाक्य भी इसे कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं। सरल वाक्य होता क्या है? ठीक है, अब सरल यानी कि सीधा, सरल यानी कि सीधा, साधारण। जिस वाक्य में कर्ता एक, जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं, कार्य को करने वाले या तो एक होगा या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन जो क्रिया होती है वो क्रिया सदैव एक ही होती है, ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या है इसमें स्थिति, जो शर्त है वो क्या है? इसमें जो क्रिया है वो एक ही होती है, कर्ता एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण है कि बच्चे खेल खेलते हैं, यहाँ पर बच्चे जो शब्द आया है ये बहुवचन है, बहुवचन है, क्रिया एक ही हो रही है खेलने की। ठीक है, तो ये बच्चे शब्द चाहे जो करता है वो एक हो या अनेक हो, लेकिन उनका जो कार्य है वो एक होना चाहिए। तो ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम और श्याम बाजार जाएंगे, राम और श्याम बाजार जाएंगे। तो देखिए यहां पर कर्ता कितने हैं? दो। कर्ता कितने हैं यहाँ? दो, लेकिन कार्य क्या हो रहा है? जाने का, और जाने का कार्य एक ही हो रहा है। ठीक है, तो कार्य यहाँ पर एक ही होता है, क्रिया एक ही होती है, लेकिन करने वाले एक से अधिक हो सकते हैं, वो सरल वाक्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर, जो है हमारा संयुक्त वाक्य। क्या है संयुक्त वाक्य? अब क्या होता है संयुक्त वाक्य? देखिए, जिस वाक्य में समान स्तर के दो, जिस वाक्य में समान स्तर के दो उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों से, अब समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? जो अलग अलग वाक्यों, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन संयोग समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, अथवा, यदि, और, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब क्या है? हमारे समुच्चय बोधक शब्द है। और जो संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य के अंदर इन शब्दों के माध्यम से उन्हें दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे श्रीधर ढोलक बजा रहा है, यहाँ पर हमारा पहला वाक्य पूरा हो गया। अब इस और के माध्यम से राजधर गीत गा रहा है, दो कर्ता यहाँ हो गए, और एक तो श्रीधर हो गया, एक हमारा राजधर हो गया। ठीक है, एक कार्य यहाँ क्या हो गया? बजाने का। एक कार्य क्या होगा यहाँ? गाने का। क्रिया भी दो हो रही है, कर्ता भी दो है, और वाक्य भी हमारे दो हैं। यदि आप इस और शब्द को हटा करके इन दोनों वाक्यों को अलग अलग कर लेते हो तो इनका स्वतंत्र अर्थ निकलता है। यदि आप इन दोनों वाक्यों को और हटा करके अलग अलग लिखते हो तो भी इनका अर्थ निकलता है, और ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र अर्थ देते हैं। क्या कहा मैंने? ये स्वतंत्र अर्थ देते हैं, और ये जो वाक्य होते हैं ये संयुक्त वाक्य इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये अलग अलग वाक्य जोड़े जाते हैं, और जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग यहाँ किया जाता है। ठीक है, आया समझ में आपको? तो क्या कहा यहाँ? श्रीधर ढोलक बजा रहा है और राजधर गीत गा रहा है, और शब्द के माध्यम से यहाँ इनको जोड़ दिया गया। ठीक है, और के अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनसे इन्हें जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम मिश्रित वाक्य की ओर। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ठीक है, मिश्रित यानी आपको नाम से पता पड़ गया होगा, मिक्स। ठीक है, जिस वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य होता है, क्या होता है? एक तो प्रधान उपवाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। क्या कहा मैंने? एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जहां संयुक्त वाक्य में दोनों स्वतंत्र वाक्य थे, उन स्वतंत्र
दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर होता है। जब तक आप दोनों वाक्यों को एक साथ नहीं बोलेंगे आपको वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा सीधे तरीके से, अच्छे तरीके से, सही प्रकार से, अच्छी प्रकार से आपको उस वाक्य का अर्थ पता नहीं पड़ पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें एक तो होता है प्रधान वाक्य, एक होता है मेन सेंटेंस मेन वाक्य, और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड होता है, आश्रित होता है। ठीक है, और वे दोनों समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कार है जो रिमोट से चलती है। अब दो वाक्य है, मेरे पास एक कार है, ये तो क्या है प्रधान वाक्य। फिर रिमोट से चलती है, अगर आप इस वाक्य को बोल नहीं बोले केवल इस वाक्य को बोलेंगे तो क्या आपको अर्थ समझ में आएगा, नहीं आएगा अगर हम इसको नहीं लिखें। हम केवल यही लिखें रिमोट से चलती है, रिमोट से कुछ भी चल सकता है, कार भी चल सकती है, टीवी चलता है हमारा, कूलर चलता है। ठीक है, तो रिमोट से चलती है हमें वाक्य समझ में नहीं आएगा जब तक हम इस वाक्य को नहीं बोलेंगे, जब तक हम इस वाक्य को नहीं बोलेंगे तब तक हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए एक वाक्य दूसरे वाक्यों के ऊपर डिपेंड होता है, आश्रित होता है। यहाँ पर पहला वाक्य है प्रधान वाक्य है जो यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हुआ है, किससे, आश्रित वाक्य से, आश्रित वाक्य से हमारा प्रधान वाक्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे मिश्रित वाक्य, इनकी कुछ पहचान भी होती है। क्या कहा मैंने, इनकी कुछ पहचान भी होती है। और ये जो उपवाक्य है ये तीन प्रकार के होते हैं, ये जो उपवाक्य है कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है संख्या उपवाक्य, ठीक है, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, ठीक है, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, पहले जो उपवाक्य होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, संख्या उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संख्या उपवाक्य जो होते हैं इनकी पहचान होती है यहाँ जो शब्द आया है इसकी जगह की आता है, इसकी जगह की आता है, ये हमारे संख्या विशेष संख्या उपवाक्य जो होते हैं इनकी पहचान है। जो विशेषण उपवाक्य होते हैं यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये जो किसकी विशेषता है, विशेषण, ये विशेषण उपवाक्य है। हमने ये जो उदाहरण दिया था ये विशेषण उपवाक्य है। और क्रिया विशेषण उपवाक्य जो होता है उसमें जब, जहां, यद्यपि, तद्यपि आदि शब्दों के माध्यम से दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है, प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ने के लिए। संभव संख्या जो उपवाक्य होते हैं उनको की के माध्यम से जोड़ा जाता है, छोटी की, कब पे छोटी की, मतलब जो विशेषण वाले वाक्य होते हैं, विशेषण उपवाक्य होते हैं, उन्हें जो शब्द के माध्यम से जोड़ा जाता है। और जो हमारे क्रिया विशेषण वाले उपवाक्य होते हैं उनको ज्यो, जब, जहां, यद्यपि, तद्यपि आदि के माध्यम से जोड़ा जाता है। स्थिति यही है, कंडीशन ये है, जहां संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्यों को आप अलग अलग कर दोगे, जहां आप उन वाक्यों को जोड़ रहे हो उसको हटा करके अगर आप दोनों को अलग अलग कर देते हो तो इनका स्वतंत्र अर्थ निकलता है, वो फ्री होते हैं एकदम, उनके वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिश्रित वाक्य होते हैं ये डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। एक अगर आप एक वाक्य बोलते हैं दूसरा वाक्य नहीं बोलते हैं तो आपको वो वाक्य समझ में नहीं आता है। तो ये थे हमारा मिश्रित वाक्य। आगे बढ़ते हैं हम, अब आपके जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, वाक्य परिवर्तन के, किसके, वाक्य परिवर्तन के, जैसे अर्थ के आधार पर वाक्यों का परिवर्तन और रचना के आधार पर वाक्य का परिवर्तन। हमने अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद पढ़े थे उन भेद में जैसे आज्ञावाचक को इच्छावाचक में बदलना, प्रश्न सूचक को निषेध सूचक में, निषेध वाचक में बदलना, तो ऐसे वाक्य का परिवर्तन होता है। कैसे होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य को किसमें बदलना है, निषेध वाचक वाक्य में बदलना है। ठीक है, विनोद पढ़ता है, विनोद पढ़ता है कौन सा वाक्य हो गया, साधारण वाक्य हो गया, आपको दिख रहा है एक ही क्रिया हो रही है और कर्ता भी एक ही है। ठीक है, साधारण या सरल वाक्य। ठीक है, पर अभी हम क्या देख रहे हैं, अर्थ के आधार पर। तो विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलने
नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर पड़ता है क्रिया के पहले आप नकारात्मक शब्द लगा दीजिए, जैसे यहाँ आ गया विनोद, पड़ता है बीच में क्या लगा दिया हमने, नहीं, नकारात्मकता का भाव देने वाला शब्द हमने लगा दिया, वो क्या हो गया हमारा निषेधवाचक वाक्य हो गया। जैसे राम विद्यालय जाएगा, कि क्या हो गया विधानवाचक वाक्य होगा। और यहां मैं लिख दूं राम विद्यालय नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा निषेधवाचक वाक्य हो गया। क्या हो गया ये हमारा निषेधवाचक वाक्य हो गया। विधानवाचक से निषेधवाचक में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिया से पहले नकारात्मकता का भाव देने वाले शब्द का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, विधानवाचक वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदलना। विधानवाचक वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदलना। दीपू तैर लेता है, दीपू तैर लेता है, ठीक है। अब यहां पर विस्मय वाला, यानी एक तो इस चिन्ह का ध्यान रखना है आपको, ये चिन्ह लगाना है और इससे पहले आपको आश्चर्य प्रकट करना है, दीपू तैर लेता है, तो इसके क्या वजह आश्चर्य लगाएंगे तो आश्चर्य का भाव देने वाले क्या क्या होते हैं, क्या सचमुच, ये क्या होते हैं हमारे विस्मय सूचक शब्द होते हैं। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ, क्या, क्या दीपू तैर लेता है, क्या कहा, क्या दीपू तैर लेता है, और क्या के बाद में हमने क्या लगा दिया, ये विस्मय सूचक चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा वाक्य कौन सा बन गया, विधानवाचक से हमारा वाक्य विस्मयवाचक बन गया। जैसे रमा खाना बना लेती है, ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा विधानवाचक वाक्य। अब इसे हम अगर विस्मयवाचक में बदले तो क्या होगा, अरे वाह रमा खाना बना लेती है, हर्ष प्रकट हो रहा है यहाँ, क्या प्रकट हो रहा है यहाँ, हर्ष प्रकट हो रहा है, और हर्ष के लिए हमें क्या नाम ले लिया, अरे वाह, ठीक है। तो ये क्या था हमारा विधानवाचक से विस्मयवाचक में परिवर्तित करना। आगे बढ़ते हैं हम, विधानवाचक वाक्य से संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित करना। विधानवाचक से संदेहवाचक में परिवर्तित करना। वाक्य हमारा संजीव नहा रहा है, संजीव नहा रहा है, ठीक है। तो अब संजीव कौन है, कर्ता, कर्ता से पहले आप क्या लगा देंगे, संदेह का भाव प्रकट करने वाले शब्द का प्रयोग कर देंगे। जैसे इसके आगे आपने क्या लगा दिया, संजीव, और संजीव के आगे आपने क्या लगा दिया यहाँ, शायद, शायद संजीव नहा रहा है, ठीक है। तो शायद शब्द क्या है हमारा, संदेह का भाव प्रकट करने वाला शब्द है, ठीक है। जैसे राम कल आएगा, ठीक है। अब इसे आप संदेहवाचक में कैसे बनाएंगे, शायद राम कल आएगा, ये क्या हो गया हमारा विधानवाचक वाक्य से संदेहवाचक वाक्य हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले वाक्य की ओर। अगला वाक्य है हमारा विधानवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक भाव, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, ठीक है। विधानवाचक क्या है हमारा, देखिए माँ खाना बनाएगी, माँ खाना बनाएगी। अब प्रश्नवाचक में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्न वाले आपको शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रश्न पूछने का भाव प्रकट करने वाले शब्द का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर
पहले प्रश्न का भाव देने वाले शब्द का प्रयोग करना है और इस प्रकार आप प्रश्न वाचक वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे राधा गई, ठीक है, ये तो हमारा हो गया विधानवाचक वाक्य। राधा कहाँ गई, ये क्या हो गया हमारा प्रश्न पूछ लिया हमने, और जब हमने प्रश्न पूछ लिया तो ये क्या हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विधानवाचक वाक्य से आज्ञावाचक वाक्य बनाना। जब हम विधानवाचक वाक्य से आज्ञावाचक वाक्य बनाते हैं तो जैसे देख रहे हैं आप, माली पौधे सींचता है, माली पौधे सींचता है, यहाँ क्या हो रही है, साधारण क्रिया हो रही है, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, माली पौधे सींचे, या फिर देखो शाम खाना खा रहा है, यहाँ कार्य खुद के द्वारा हो रहा है। और अब हम आज्ञावाचक बनाएंगे तो आज्ञावाचक क्या हो जाएगा, ये देखिए, शाम खाना खाओ, क्या दे दी यहाँ, आज्ञा दे दी, शाम खाना खाओ। तो यहाँ पर विधानवाचक वाक्य में कार्य कर रहे हैं लेकिन इसमें कार्य न करके करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, विधानवाचक वाक्य से आज्ञावाचक वाक्य बनाना। आगे बढ़ते हैं हम, विधानवाचक वाक्य से संकेत वाचक वाक्य बनाना, ठीक है। वाक्य हमारा अध्यापिका के कहने पर, अध्यापिका के कहने पर मीरा दूसरी जगह बैठ गई, ये अलग है यहाँ से, ठीक है। अध्यापिका के कहने पर मीरा दूसरी जगह बैठ गई, ठीक है। इसको हमें क्या बताना है, संकेतवाचक बनाना है। अब क्या कह रहा है कि यदि अध्यापिका कहे तो, यदि अध्यापिका कहे तो मीरा दूसरी जगह बैठ जाएगी, पहला तो ये और दूसरा ये, ठीक है। यदि अध्यापिका कहे तो मीरा दूसरी जगह बैठ जाएगी, संकेत कह रहा है कि जब तक टीचर नहीं कहेगी, जब तक अध्यापिका नहीं कहेगी तब तक मीरा अपनी जगह नहीं बदलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर विधानवाचक से संकेतवाचक वाक्य हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संकेत का भाव देने वाले शब्द का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। आगे हमारा विधानवाचक वाक्य से इच्छावाचक वाक्य बनाना, विधानवाचक वाक्य से इच्छावाचक वाक्य बनाना। दादी जी टहलती है, क्या कहा, दादी जी टहलती है, क्रिया कौन कर रहा है, खुद दादी जी करिए। लेकिन अब हमें जब हम इच्छावाचक वाक्य बनाएंगे तो हम एडवाइस दे रहे हैं, सलाह देने का कार्य यहाँ पर होना है, या कामना हो रही है, इच्छा हो रही है कि दादी जी को टहलना चाहिए, ठीक है। जैसे शीला दूध पीती है, शीला दूध पीती है। अब ये अगर हम इच्छावाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शीला को दूध पीना चाहिए, शीला को दूध पीना चाहिए, कामना हो रही है, इच्छा हो रही है। यहाँ विधानवाचक वाक्य को इच्छावाचक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इच्छा सूचक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये था हमारा वाक्य परिवर्तन और रचना के आधार पर उनके भेद। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।